हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का स्नोफॉल हुआ है, तो हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कैसे अविरत और श्रुति, शौर्य और काका, श्रुति जी भूल गए, और हमारे साथ और है मैक्सी और रॉकी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ी सी धुंध भी आपको नजर आ रही है, बट आगे जाके आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखाएंगे। हेलो करो भाई। हेलो गाइस, ये है किलर पार्टी। मैक्सी ये देखिए, मैक्सी आ गया। कैसा लग रहा है स्नोफॉल में? अच्छा। हेलो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो श्रुति आगे, चलो स्नो ट्रैफिक। काका भाई जी आगे, कैसे होऊंगा मेरा। ब्लॉग बना रहे हैं, रुक जा यार। देखो ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं, लेकिन छुप छुप के कैसे भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं मैक्सी कैसे एंजॉय कर रहा है। मैक्सी की लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल है, मैक्सी की लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल है ये। अभी हम अपने गांव के बिल्कुल टॉप में आ चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े खेत हैं। यहां का नाम है शंचड़, यानी कि सोआ चौड़। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिल्कुल जो बिल्कुल सीधा खेत है, और इसमें बर्फ गिरी है। जो बर्फ है आपकी वो तो बहुत कम गिरी हुई है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है वो हमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक साल बाद हमारे को पूरा इंतजार करना पड़ता है स्नोफॉल के लिए। लेकिन अभी कम है, आने वाले दो या चार दिनों में यहाँ पे स्नोफॉल और बढ़ जाएगी। आज रात को भी स्नोफॉल ज्यादा होगी, तो हो सकता है 2-2.5 फीट के आसपास यहाँ पे स्नोफॉल जो एवरी ईयर होती है वो अभी इस बार भी हम उम्मीदें लगा सकते हैं कि इतनी बर्फ यहाँ पे गिरेगी। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं जो साथी थे वो भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बार बार इनका लाइट कैमरा एक्शन और कट हो रहा है। तो इंजॉय करते हैं। ये देखो ये हमारे गांव का सबसे शरारती बच्चा है। वो मेरे को क्यों मार रही है? और ये सब शरारती बच्चे नहीं है, ये बड़े हैं बहुत। ये देखना इस लड़की को, ये देखो मारो मारो, एक दूसरे को मारो, खत्म कर दो सारे को। ये देखिए इस लड़की को गौर से देखिए, जितनी भोली ये देखने को है इसकी, ये इसकी हरकतें देखिए। ये देखो श्रुति के जूते देख सकते हैं, इतनी स्नोफॉल हुई है कि इसके जूते भी छोटे पड़ गए हैं। अपने दिखाओ तो, और पहाड़ों का जो एंजॉय करने का तरीका है पहाड़ी लोगों का कुछ अलग ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ऊपर कैसे बर्फ की बौछार गिरा रहा है अविरत, और
यहाँ पे बंदे ने फोन पे निशाना लगा लिया था, तो इस तरह से एंजॉय होता है पहाड़ों में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सी जर्मन शेफर्ड है, और इसकी जो लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल है मैक्सी, ये देखिए। और अभी हम बिल्कुल टॉप पे है, हमारे जो गांव है, गांव के हमारे गांव में सबसे टॉप का जो एरिया है आप यहाँ देख सकते हैं। स्नोफॉल कम हुआ है बट एंजॉय जो है फुल ऑन मस्ती हो रहा है। काका देखिए ठंड से कैसे सिकुड़ गया है यहाँ पे, ये देखो वाह, शोरे शोरे देखो सबसे टॉप पे गया हुआ है। इस तरह के नजारे आप पहाड़ों में ही देख सकते हैं। हम लोग ऊपर है और आप देख सकते हैं बादल हमारे से भी नीचे है। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी जन्नत में हो गए। हम यहाँ पे इस टॉप में थे तो यहाँ साथ में नीचे खेत है, अब हम जा रहे हैं एक दूसरे वाले टॉप में। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला टॉप आपको नजर आ रहा है, ये देखिए मेरे साथी श्रुति अविरत काका और शौर्य उस टॉप के लिए चल पड़े हैं, उसको बोलते हैं टीम्बा। तो हम यहाँ से अब उस टॉप में जाएंगे। तो आज कुछ हाथों में ठंड भी कुछ ज्यादा लग रही है क्योंकि एक साल बाद यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, काफी टाइम बाद स्नोफॉल देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने ये अपनी टोपी किस प्रकार से लगा। हमारे यहाँ के इनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है स्नो में चलने का, इसलिए हम इनको सबसे आगे निकाल रहे हैं शौर्य को। So cute. ये बंदा लाइव So cute. दुबई से आया है, स्पेशलिस्ट है ये स्नो स्नो में, इनका जो चलने का एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा है। ये देखिए गाइस मेरा घर आपको नजर आ रहा होगा, वहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ है बट बहुत ही कम है, बिल्कुल पाला जैसा गिरा हुआ है। घर को जा रहे हैं, बैटरी तो गुगलू के पास पावर बैंक है, वो चोरी करना पड़ेगा तभी नेक्स्ट ब्लॉग आपको डाल पाएंगे। और ये ब्लॉग भी आपके सामने तभी आ सकता है, आप तब भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर गुगलू पावर बैंक देगा। फोन चार्ज होगा तभी मैं आपको एडिट करूंगा, अपलोड कर पाऊंगा। रखा नहीं जा रहा तो वादियों में इन वादियों में आई दिया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों